ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। कि एडिशनल सेशन जज हिसार ने ऑर्डर पास किया था कि जो रामपाल है इसको जो टीवी और केबल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो हमने उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्रिमिनल रिवीजन फाइल की थी स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से हाई कोर्ट में, जिसकी पिछली दो डेट्स पे जो है वो टेकअप नहीं हो सकी, तो उसकी डेट 20 जुलाई लग गई थी। तो अब रामपाल ने उसके जो खिलाफ़ उस ऑर्डर की कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें 30 मई के लिए हमें नोटिस इशू हुआ है कंटेम्प्ट में, तो हमने उसकी एप्लीकेशन फॉर प्रीपोनमेंट फाइल की थी कि सिंस द कंटेम्प्ट पिटीशन हैज़ बिन फाइल्ड सो दिस रिवीजन विल रेंडर्ड इनफ्रक्चुअस। तो आज उसकी जो प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन के साथ हमने एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर भी प्लेस ऑन रिकॉर्ड किया है। तो जो एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर है डैट वॉज कंट्रेरी टू द ऑर्डर पास्ड बाई द डिवीजन बेंच। जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि सिक्योरिटी सेल जो जिसमें कि उस अंडर ट्रायल या प्रिजनर को रखा जाता है जिसकी सिक्योरिटी को थोड़ा खतरा है, तो स्मॉल और सिक्योरिटी सेल में टेलीविज़न और केबल की जो फैसिलिटी है वो नहीं दी जा सकती। ये डिवीजन बेंच का एक PIL में डिसीजन है, उस पर बेस करके हमने कहा है कि ये जो लर्नर्ड एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर है इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर बाई द डिवीजन बेंच विच इज़ द लॉ। तो उसको आज हमारे केस को प्रीपोनमेंट करके नोटिस इशू कर दिया है रामपाल को, और जो ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया। ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर स्टे कर दिया, उसमें ये था कि दैट टेलीविजन एंड द केबल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम इन द सिक्योरिटी सेल, क्योंकि उस डिवीजन बेंच की जजमेंट के बेस पे जो जेल डिपार्टमेंट है DGP जेल्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी थी सारी हरियाणा की जेल्स को कि जो ये टेलीविजन फैसिलिटी है ये बड़ी बैरक्स में जहाँ पे अबाउट 40 प्रिजनर्स या अंडर ट्रायल होते हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी दी जा सकती है, क्योंकि रामपाल को सिक्योरिटी सेल में रखा गया है अलॉन्ग विद 2 प्रिजनर, एक जो है वो 2 प्रिजनर्स के साथ तीसरे रामपाल हैं जिनको सिक्योरिटी सेल में रखा गया ताकि उनकी सिक्योरिटी की कोई ब्रीच ना हो सके। सुहा जी रामपाल को तो वो आके अपना पक्ष रखेंगे तो कोर्ट आगे सुनवाई करेगी। हमने स्टे कर दिया क्योंकि जो कंटेम्प्ट है उसमें 30 मई डेट है, तो वो उसमें हमें ये ऑर्डर दिखाएंगे कि ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर हैज बीन स्टेड।